पहले डॉक्टर डी के गुप्ता से हम बात करेंगे जो कि सीएमडी है फेलिक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर, ग्राउंड जीरो पर मैं जाऊं, हमारे संवाददाता हमें बताएं कि ताजा अपडेट क्या है, लेकिन सबसे पहले जो सभी के जहन में सवाल है, डॉक्टर गुप्ता, क्या देश फिर से कोरोना का वो पीक टाइम देखने वाला है? क्या फिर से बेकाबू होगा कोरोना? आपका अनुमान क्या है? देखिए, लास्ट ईयर इसी समय कोरोना का हमारे देश में प्रवेश हुआ था और उसके बाद हमने बहुत बुरा हाल देखा। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगा, बहुत सारे हॉस्पिटल फुल हो गए, आईसीयू फुल हो गए, वेंटिलेटर नहीं मिले, पेशेंट की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, करोड़ों लोग। तो ये अभी का जो नंबर दिखा रहा है, जैसे आपने दिखाया, डाटा दिखाया कि हर रोज हम लोग 1500 के आसपास रोज नंबर केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि अभी जांचें बहुत ज्यादा नहीं हो रही हैं। अभी लोग पहले से लोग कम अवेयर हैं, कम डरे हुए हैं और लोगों को चिंता नहीं है, तो इसलिए आप देख रहे हैं 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000 हो गया। तो अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये विस्फोट करेगा किसी लोकल एरिया में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, और उसमें वहां दिक्कत आएगी और वहां हो सकता है लोकल खाली नाइट का लॉकडाउन नहीं, दिन का भी लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, क्योंकि नाइट के लॉकडाउन से बहुत फायदा नहीं होता, बिकॉज रात में वैसे भी गतिविधियां कम हो जाती हैं। जो अभी का डाटा है वो बताऊंगा, ये सेम डाटा जुलाई के आसपास था, हमने शुरू किया था मार्च में, तब 150 केसेस आना शुरू हुए थे और जुलाई में जाके नंबर 25,000 में पहुंच गया था और बाद में अक्टूबर नवंबर तक ये लाख में पहुंच गया था रफली। तो अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने जो प्रिकॉशंस इनका पालन नहीं किया, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क लगाना हो, और इन सब चीजों का पालन नहीं किया तो नंबर बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर हमने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को, जो टीकाकरण अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसमें हम लगभग अभी 3 करोड़ लोगों को दे चुके हैं वैक्सीन, वो लगभग हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 3% है। हमारे पास 135 करोड़ की आबादी है, तो हमें अगर इस कोरोना को कंट्रोल करना है तो हमारे पास 60-70% जो हमारी आबादी है वो इम्यून होनी चाहिए, या तो नेचुरल इंफेक्शन के जरिए या वैक्सीन लगाने के बाद। तो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, जो टीकाकरण अभियान है, इसको हमें गति देनी पड़ेगी, इसको हमें तेज करना पड़ेगा, सो दैट अगले हम 3-4 महीने में 25-40 से लेके 60 करोड़। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, सवाल ये भी कि क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है, क्या सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है? सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो भी गया तो जो आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसकी कोई मास्क नहीं उड़ाई जा रही थी, पॉलिटिकल रैलियां हो रही थी इवन, और इसके अलावा हर जगह शादी विवाह और जो मंदिर मस्जिद हर जगह भीड़ दिखेगी, हर मार्केट में आपको भीड़ दिखेगी, तो शायद हमने बिल्कुल डर खत्म कर दिया और उसी की वजह से जो केसेस जो दोबारा आउटब्रेक आ रहा है और दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। अब आदित्य, अगर दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में